गुड इवनिंग बच्चों, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो जैसे बच्चों आप सबने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल देख करके ही आप यहाँ आए हैं। आज हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको, और जानेंगे कि अगर अच्छे एग्जाम और अच्छे मार्क्स के लिए हमें गेन करना है, अच्छे मार्क्स हमें गेन करना है बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसके लिए हम क्या करें, ठीक, कौन सी बुक्स पढ़ें, या फिर क्वेश्चन बैंक या फिर गेस पेपर। जैसे बहुत से बच्चों ने फिर कमेंट भी किया था और व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि सर मुझे गेस पेपर बताइए अच्छा सा ऐसे बोर्ड एग्जाम्स के तैयारी के लिए। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर क्या जरूरी है, क्या बुक पढ़ना चाहिए, क्या ऐसे क्वेश्चन बैंक ले या फिर क्या गेस पेपर ले। ये जो टॉपिक है आपका, ये जो BST का है, बिजनेस स्टडीज का, मैं बता देता हूं इसमें आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, ठीक है, जो कि पार्ट वन है। पार्ट वन होगा, ओवरऑल 35 क्वेश्चंस ऐसे बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और ये 100% की गारंटी लूंगा कि उसमें से आपका 60-80% क्वेश्चन आपका कैरी कर जाएगा, ठीक है, 60-80% आपका कैरी कर जाएगा। ये वैसे क्वेश्चन है कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं बनाया, नहीं प्रैक्टिस किया, तो समझना कि आपका जो BST का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो है टोटली जीरो। तो इसीलिए मैं बता दिया जो ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जानेंगे बुक के बारे में थोड़ा बहुत, और आपके बहुत ज्यादा हेल्प भी होने वाली है, ठीक है। तो जो लोग भी बुक वगैरह नहीं परचेस किए होंगे उनको इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा कि उन्हें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करना, ठीक है, वीडियो को तो कंप्लीट वॉच करना है, एक भी लाइन स्किप मत करना, वरना हो सकता है आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, ठीक, याद रखिएगा। एक बुक का आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा यहां पर, आप देख लीजिए इसको ध्यान से, आगे हम इस बुक के बारे में ऐसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे और गेस पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये बुक आप देख लीजिए, ठीक, और जिन लोगों ने भी ये बुक को देखा होगा कमेंट करना कि हाँ कभी आपने इस बुक को देखा है, फिर नाम सुना है। चलिए तो देखिए, हम लोग का इस वीडियो में जो टोटल क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन हम लोग ऐसे देखने वाले हैं। याद रखिएगा 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर मैंने इसका नहीं कराया है। आंसर वीडियो जो अगर आंसर चाहिए होगा वो आपको ग्रुप में मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप लोग खुद से ऐसे उसका प्रैक्टिस करोगे, खुद से आप ऐसे वो हमको बना करके भेजोगे, तब जाकर के ऐसे आपको वो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख लेना, उसके बाद फिर बुक पर आएंगे, बुक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बुक लेना है, क्या बुक नहीं लेना है, समझे। चलिए तो आपका जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी मिस मत करना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कहता है BST से, डिफाइन मैनेजमेंट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कह रहा है प्रबंध क्या है और इसकी विशेषताएं का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन आपका यही है कि प्रबंध क्या है और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है आपसे, डिफाइन प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, कहता है कि दूसरा क्वेश्चन है कि प्लानिंग को ऐसे डिफाइन कीजिए और इसके इंपॉर्टेंस को और इसके लिमिटेशन को बताइए। नियोजन को परिभाषित करें और इसके महत्व और सीमाओं का वर्णन करें, दूसरा क्वेश्चन यही है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन को लिखते चले, या तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो और लिख लो, आराम से लिखते चलो, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, वहां से ले लेना, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मैसेज करना, वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी आपको मैसेज मिल जाएगा, इंस्टा पर भी आप ऐसे मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए देखिए, आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, संगठन क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, संगठन क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं,
क्वेश्चन फोर कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय से क्या अभिप्राय है और इसकी आवश्यकता या लाभ बताएं। ठीक है, क्वेश्चन यही था फोर। आते क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। मैं बता दिया आंसर मैं नहीं करवा रहा हूं, और बेसिकली ये वीडियो जो वीडियो है ये क्वेश्चन कराने का मेरा मोटो नहीं था, ये वीडियो था बुक और क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर के बारे में आप लोगों को बताने का। ठीक है, लेकिन सोचा कि बच्चे सिर्फ बुक और क्वेश्चन बैंक से जाने से अच्छा कुछ क्वेश्चन भी जान ले, जिसके लिए मैंने इसको इंक्लूड किया। ठीक है, नहीं तो इतना छोटा टॉपिक, इतना कम क्वेश्चन मैं ऐसे कभी नहीं कराता हूं आप लोग को, याद होगा आप लोग को। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, एक्सप्लेन। मैनेजमेंट एक आर्ट है और साइंस भी है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है, समझाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव यही था। क्वेश्चन सिक्स क्या है वो देखिए। एक्सप्लेन द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के विभिन्न स्तरों को संक्षेप में बताएं। प्रबंध के विभिन्न स्तरों को संक्षेप में बताएं। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स। आइए हम क्वेश्चन बैंक और बुक्स और क्विज पेपर के बारे में बात कर लेते, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन को कैरियर करेंगे। नहीं तो पता चला कि आप लोग क्वेश्चन देखे उसके बाद चले गए, बुक के बारे में आप कुछ पता भी नहीं चलेगा। देखिए आप स्क्रीन पर जो बुक देख सकते हैं बिजनेस स्टडीज की, करीब करीब, और पहले ये बता दूं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है इसका, मैंने कोई पैसा नहीं खाया है या फिर पैसा नहीं लिया है जिसके कारण से मैं आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास आया ये बुक, सर ने बोला कि सर ये बुक अच्छी है आप एक बार पढ़ कर देखो। तो अप्रोक्स मैंने इसको 3 डेज, कम से कम 3 से 4 दिन है इसको पढ़ा था। तो और भी जो मैंने बुक्स पढ़ा तो इस बुक की पता है एक चीज अच्छी लगी हमको, जो कि आप सबको बहुत ही ज्यादा ऐसे हेल्प कर सकता है एग्जाम के लिए, और वो है इसका लैंग्वेज। ठीक है, मतलब बहुत से बुक से इस बुक का जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना बच्चों वो बहुत ही ज्यादा इजी लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा आसानी से। ठीक है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है अगर ये आप बुक खुद से भी पढ़ोगे, किसी टीचर की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बुक इतनी आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसके कारण से आप इसको आसानी से परचेस करके आराम से पढ़ सकते हो। देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर, लेकिन 99% लोग बोलते हैं कि गेस्ट पेपर हमको खरीदना है। मैं आपको बता दूं अगर गेस्ट पेपर खरीदते हैं, आप 40-60% में रह जाओगे गेस्ट पेपर से, अगर आपको एग्जाम देना है तो इससे एबव आपका नहीं आएगा। ठीक है, इससे एबव आपका आएगा ही नहीं। दूसरा है आपका क्वेश्चन बैंक, आप बना सकते हो, अगर क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, पढ़ गए तो आपको 60-80% कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी 80% पे ही रह गया, कुछ बच्चे के लिए बहुत ही इनफ है, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन जिन्हें पूरा चाहिए उनके लिए ना तो ये गेस्ट पेपर काम करेगा ना ही क्वेश्चन बैंक। आपके पास ऑप्शन है तो सिर्फ एक बुक। अगर आप बुक को थ्रूली पढ़ लेते हो, अच्छे से बुक को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो 110% बच्चों आपका 90-95% कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, 5% इसलिए मैं बता दूं कि कितना भी पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ गलती कर ही आओगे, लेकिन अगर बुक पढ़ते हो तो आपका इतना से इतना कोई नहीं काटेगा, 90-95% आपका कोई नहीं काटेगा, इतना मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बुक्स में क्या क्या कंटेंट है, आप देखो आराम से पहले। ठीक है, मुझे बुक काफी अच्छी लगी, मैं आपको प्रिफर करूंगा। जैसे स्टार्टिंग में ही आप सबने हमसे पूछा था कि सर कौन सी बुक को परचेस करना, उसमें मैंने आपको रोक दिया था कि अभी आप कोई भी बुक ऐसे मत लो। ठीक है, क्योंकि कुछ समय ऐसा आएगा ही कि कुछ ना कुछ बुक का ऑफर आएगा, अच्छे बुक्स आएंगे, तो देखो उसमें से वही एक बुक मुझे मिला। वैसे 3 बुक का और मुझे मिला हुआ था कि सर ये बुक भी आप एक बार देख लो, तो लेकिन उन तीनों में से, और ऐसे 2 बुक मैं खुद से पढ़ा, तो उन तीनों में से ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा, तो जिसके कारण से मैं आपको ये बता रहा हूं। ये बुक आपको प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। ठीक है, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो बाय गिविंग 140 रुपीज। ठीक है, आप नीचे कमेंट करना, अगर आपको इससे कम में चाहिएगा तो थोड़ा बहुत इसे देख लिया जाएगा, या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। बुक की डिलीवरी भी आपके घर तक हो जाएगी, वो भी आपको करा दी जाएगी, तो वो भी ऐसे आप ऐसे कमेंट कर देना।
पर हाँ ये जरूर कहूंगा 140 रुपए या 150 रुपए आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। अगर अच्छा मार्क्स आता है ये बुक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है, तो बस प्रिफेयर करूंगा कि ये बुक को ऐसे आप लोग परचेस जरूर करना। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी परचेस कर सकते हो, प्ले स्टोर पर से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है इसका दोनों एडिशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों एडिशन आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, बुक के मामले में तो मैं बोलूंगा कि आप इसको परचेस कर लो। अगर गेस्ट पेपर चाहते हो तो वो आपको रुकना पड़ेगा, अप्रोक्स सितंबर तक आप रुक जाओ, तब आपको ऐसे गेस्ट पेपर के बारे में बता दी जाएगी। लेकिन मैं बता दिया वही 60% तक रह जाओगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ोगे। क्वेश्चन बैंक आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, जो आपको पसंद आए, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी का भी ले लो, कोई इसमें फर्क नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक सब एक है, तो क्वेश्चन बैंक कोई भी ले सकते हो। लेकिन हाँ, बुक के चॉइस में बोलूंगा कि थोड़ा बहुत आप ये परचेस कर सकते हो, आपको हेल्प बहुत ज्यादा होगा। और फिर से मैं बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसका मैंने कोई पैसा नहीं खाया है, या मैं इसका पैसे नहीं लेकर के वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं सोचा कि सर ने पैसे लिए तो जाकर के वीडियो कैसे हमको ये बुक के बारे में इतना ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बोला, ऐसा बात नहीं है। बुक अच्छा लगा तो मैं आपको बता दिया, सोचा आप लोग साथ शेयर कर लूँ। ठीक है, तो आप लोग को पसंद आए तो आप अमेजोन पर भी आप देख सकते हो, इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बुक का नाम भी आप आराम से अमेजोन पर सर्च कर लेना, प्ले स्टोर पर भी देख लेना, आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, एट रीजनेबल कॉस्ट पे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने 6 क्वेश्चंस देख लिया, आते आए के क्वेश्चन पे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस और बच गए। और हाँ, ये 6 क्वेश्चन और जो 4 क्वेश्चन और करा रहा हूं अभी, बता दूं ये 10 क्वेश्चन मतलब समझ लो आपका 2 क्वेश्चन बोर्ड में निश्चित है आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्सप्लेन 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, गिव इट्स फीचर। प्रबंध के विधान को बताइए एवं इसके लक्षण को भी बताएं। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कह रहा है वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, इसके लाभ लाभ और हानि का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। डिफाइन स्टाफिंग, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। नियुक्तिकरण को परिभाषित करें, इसकी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 था ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों के चयन की प्रतिक्रियाओं का वर्णन करें। तो बच्चों यही था हम लोग के क्वेश्चंस 10, 10 क्वेश्चंस हमने ऐसे डिस्कस किया है। बता दूं ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, दसों क्वेश्चन VBI हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दसों क्वेश्चन, याद रखना। मैं पहले बताया था फिर बताता हूं, अगर ये क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन है, अगर ये आपको याद नहीं है, इसका आपने तैयारी नहीं कर रखा है, तो आपका BST का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो है आपका 0%। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो वीडियो यहीं पर आपकी ऐसे समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने क्या जाना, तो बुक के बारे में जाना, क्वेश्चन बैंक के बारे में और गेस्ट पेपर के बारे में। ठीक है, बुक काफी अच्छी है, बुक को परचेस कर सकते हो। ठीक है, आपने पूछा था कि सर कौन सी बुक को परचेस करना है, जिसके कारण से मैं ये बुक बता रहा हूं, तो आप इसको परचेस कर लेना। दूसरा, ये सारे क्वेश्चन को लिख करके सारे का सोल्यूशन बना करके आपको ग्रुप में ऐसे मैसेज करना है। ठीक, और तीसरा ये कि वीडियो बहुत लेट हो रही है, आप सब देख रहे होंगे हर सब्जेक्ट की वीडियो लेट हो रही है, ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस जरूर रखना, सिलेबस ऑन टाइम आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आज भले वीडियो लेट हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर आपको पर डे का जो वीडियोस है वो आपको तेजी से मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसको आप लोग इसे एडजस्ट कर लेना, सिलेबस का आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग का सिलेबस जल्दी कवर अप करा दी जाएगी। ठीक है, तो इतना आप लोग को करना है, और वीडियो पसंद आया हो तो बस एक लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिनको भी जरूरत होगा शेयर कर देना। इस परिवार को बढ़ाओगे तो हम लोग भी आगे ऐसे बढ़ सकते हैं, आगे ऐसे कुछ आप लोग को ऐसे दे सकते हैं। अब इतने पे सीमित रह जाएंगे तो फिर हम लोग को भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे, कितना करने के बाद भी ऐसे बच्चे जुड़ नहीं रहे। तो आप लोग शेयर करो जितना ज्यादा हो सके, अपने दोस्तों के साथ जो भी है उनके साथ शेयर करो, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप इंजॉय करो, आप ऐसे खुद से सेल्फ मेड में ऐसे पढ़ो, जितना हो सकते उतना ऐसे फायदा उठाओ। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बच्चों स्टे होम स्टे सेफ, और इस कोरोना से बचकर रहे। आज देख रहे हो फिर से लॉकडाउन हो चुका है सारे जगह, तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है घर से बाहर ना निकलना जब तक ज्यादा जरूरी ना हो।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, और आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, धन्यवाद।